फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव सिंपल रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फलाहारी मालपुए की रेसिपी। तो परफेक्ट मालपुए बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सब्सक्राइब का लाल बटन नहीं आता है तो उसका मतलब है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो दोबारा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फलाहारी मालपुए बनाने के लिए हम ले लेंगे 1/4 कप राजगिरे का आटा और 1/4 कप सिंगाड़े का आटा। दोनों को मिक्स कर लेंगे एक बाउल में और हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सौंफ। अगर आप व्रत में सौंफ नहीं खाते हैं तो ना डालें। एक बार मिक्स कर देंगे। फिर हम इस आटे का एक बैटर बना के तैयार करेंगे। तो बैटर हम दूध से बनाएंगे। दूध मैंने गुनगुना लिया है ताकि जो आटा है वो जल्दी से फूल जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। एकदम से ज़्यादा दूध ना डालें क्योंकि अगर दूध ज़्यादा हो जाएगा तो बैटर पतला हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर कर रही हूँ। तो हमको बैटर की पूरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए है। तो जब तक ऐसी कंसिस्टेंसी ना हो जाए तब तक आप इसमें दूध डालें। इतना बैटर तैयार करने में हमको 3/4 कप दूध लगा है। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, तो आप बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करें। तो बैटर बनकर तैयार हो गया है। जब तक बैटर फूलता है तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन में 1 कप शक्कर ले लेंगे और उसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और उसको गैस पर रख देंगे। एक बार मैं मिक्स कर दे रही हूँ ताकि शक्कर नीचे ना लगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी इलायची। तो हरी इलायची को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, तो छिलके सहित मैं इसमें डाल देती हूँ। और हम इसमें ऐड कर देंगे 8-10 केसर के धागे। अगर आपके पास केसर ना हो तो ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक दो बार हम बीच में स्टर कर देंगे। पकने देते हैं शक्कर को पानी के साथ। तो आप देख सकते हैं चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमको एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा ये सिरप स्टिकी हो जाए हमको इतना इसको बॉईल करना है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों उंगलियों के बीच में आप चाशनी को लगाकर देख लें, तार नहीं बन रहा है बल्कि बस थोड़ी सी स्टिकी हो रही है। तो चाशनी बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जब तक चाशनी थोड़ी सी ठंडी होती है तब तक हम मालपुए बना लेते हैं। तो मैंने घी गरम कर लिया है, मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं। व्रत में हम मूंगफली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लिया है। बैटर फूलकर ऊपर आ गया है, यानी कि हमारा तेल मीडियम से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। तो फ्लेम को हम लो मीडियम कर लेंगे और हम इसमें डाल देते हैं मालपुआ। ऐसे चम्मच की सहायता से हम डाल देते हैं, एक ही जगह पर डालना है हमको। तो ये देखिए कितनी आसानी से डल गया है मालपुआ। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऊपर से चम्मच की सहायता से डालते जाएंगे ताकि मालपुआ ऊपर से भी सिकता जाए। ये देखिए इस तरह से। गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे, अगर हाई करेंगे तो मालपुआ जल जाएगा। तो दूसरे स्पून की सहायता से हम धीरे से मालपुए को पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, ना ज़्यादा डार्क है और ना बिल्कुल लाइट है। दूसरी साइड से भी हम सिकने देते हैं। अब एक बार हम मालपुए को पलट कर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा अभी कच्चा लग रहा है, नहीं सिका है ठीक से, तो मैं थोड़ी देर और सेक लेती हूँ दूसरी साइड से भी। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए अच्छा सिक गया है मालपुआ, ना बहुत डार्क है और ना बिल्कुल लाइट है, बहुत बढ़िया सिक्के तैयार हो गया है। तो हम एक साइड कढ़ाई में टिकाकर एक्स्ट्रा घी को निथार कर निकाल लेंगे मालपुए को। और मालपुए को हम निकाल कर डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी अभी थोड़ी गर्म है और मालपुआ भी गर्म है, तो अच्छे से इसके अंदर चाशनी चली जाएगी। और चम्मच की सहायता से हम थोड़ा सा उसको अंदर डिप कर देंगे। तो ऐसे ही हम सारे मालपुए बना लेंगे। अब मैं आपको दूसरा मालपुआ बनाकर दिखाती हूँ। तो मैं फिर से डाल रही हूँ मालपुआ। देखिए बहुत इजी है, आराम से बन जाता है बिल्कुल।
बस आप बैटर को ज़्यादा गीला ना होने दें, अगर बैटर गीला हो जाएगा तो मालपुआ बिखरेंगे। फिर वही प्रोसेस, मैं स्पून की हेल्प से डाल रही हूँ थोड़ा सा घी मालपुए के ऊपर, ताकि ऊपर से भी सिकता जाए। तो अब हम पलट देते हैं मालपुए को। ये देखिए, सिकने देते हैं दूसरी साइड से भी। तो मालपुआ सिककर तैयार हो गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो बस इसको भी हम निकाल कर उसी चाशनी में डिप कर देंगे और ऐसे ही हम सारे मालपुए बना लेंगे। तो ये देखिए, मैं मालपुए को प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ आपको। चाशनी में डुबोने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। ये मैंने निकाला प्लेट में, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट लग रहे हैं निकालने में ही, वो कितने सुंदर दिख रहे हैं। और ये दूसरा भी निकाल लिया है मैंने, प्लेट में रख देती हूँ। तो बस ऐसे ही सारे मालपुए बनाकर चाशनी में डिप करना है और 5 मिनट डूबे रहने के बाद हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए, जो इलायची के छिलके वगैरह आ जाएं तो आप इनको अलग कर दें। तो ये देखिए मालपुए बनकर तैयार हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मालपुए को प्लेट में सर्व कर लिया है। इसको बादाम कतरन और पिस्ता कतरन से गार्निश कर दिया है। मालपुए बहुत ही टेस्टी बने हैं, इस तरह से आप व्रत में ज़रूर बनाकर खाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एन्जॉय द रेसिपी, बाय बाय।